कलीम भी साथ में आओ बाबू भैया। नहीं बनता हेलो भाई जब कल सी फिट चिन सी कल सी तो हम कारपेट वाले मौली साहब इधर देखो। हां ऐसा आज जो ब्लॉक को जय है गिद्धा दी हेलो हेलो ए हाथ पकड़ो चार कली भाई आ जा तू ये कितने कुछ जुबेर भाई जरा सामने आओ बउआ आओ बेटा जी जनाब आज एमएफ कलीम साहब की रिहाइश गाह पर आप पहुंचे हैं और विश्वनाथ साहब जो बीजेपी के वजीर थे उन्होंने यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या इसका माजरा है क्या है? देखिए आप हमारे दरमियान 2023 का कर्नाटक असेंबली का इंतखाब हमारे दरमियान आ गया है और 8 दिन बाकी हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वॉइस एक तंजीम है जिसके बानी हमारे एमएफ कलीम साहब हैं और ग्रेट हिस्टोरियन और बेबाकी के साथ जब भी है ना जो भी मसला आता है और ख़ास तौर से तारीख को बदलने का काम अगर किसी ने भी किया तो उसे है ना बाकायदा अपने अंदाज में आप जवाब देते आए हैं। प्रोफेसर नंदराजर साहब दलित ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे शांतराज साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, जय कुमार हैं और हमारे गोपाल हैं। तो इन तमाम से हमारी मुलाकात हुई थी इंतखाबात के दौरान, इनसे ताउन हासिल करने के लिए हमने बात की थी। एमएफ कलीम साहब को मैंने है ना पार्टी भी ज्वाइन करने की दावत भी दी। उन्होंने अपनी तंजीम के लिहाज से कहा कि मेरे और साथियों को मैं बात कर मशवरा कर करूँगा। तो आज अपने रिहाइश गाह में हमें मधु किया है, हमारे हाथ में एक मेमोरेंडम दिए हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का भरपूर ताउन करने का ऐलान भी किया है, ना सिर्फ मेरे हलके में पूरे ज़िले में। इन्होंने ये मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से छोटी छोटी कौमों को लड़ाने का काम और दस्तूर आइन में हमारा जो हुकूक है उस हुकूक से भी हमें क्या है मायूस करने का काम जो करती आई है उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे। उनका ये मेमोरेंडम भी ऐसा है कि माशरे में चाहे वो किसी भी कौम का मसला ना क्यों ना हो जो चीज़ दस्तूर आइन के खिलाफ है उस पर आवाज़ उठाएंगे और मेरे तक वो बात लाएंगे, उनके साथ जुड़कर मुझे काम करने का है। दूसरा कौम मिल्लत के जितने भी है ना हमारे मसाइल हैं जो उनके सामने आएंगे उसका हल ढूंढने के लिए भी है ना हमें काम करना पड़ेगा और इसके साथ साथ हलके में तरक्की के काम को लेकर उन्होंने बहुत सारे चीज़ें इसमें लिखा है। तो उस तरीके से ये हमारा मुआहदा हुआ है कि एक सही हुकूमत रियासत में आना है और
जिस तरीके से ये मौजूदा हुकूमत हर किसी के जहनों को है ना क्या है तोड़ने का काम किया है, दिलों को तोड़ने का काम किया है, कहीं भी है ना वो प्यार मोहब्बत से है ना जो इस रियासत के बाशिंदे बसने के लिए मौका नहीं दे रहे, तो इस वजह से मसाइल जो भी हैं उसके ऊपर है ना किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये तमाम मसला मजहबी एतबार से है ना ये सब है ना अलादा अलादा होने के बावजूद इंसानियत के लिए एक होकर है ना आज ये फैसला लिए हैं कि कांग्रेस का भरपूर ताउन करेंगे, तो उस बात की है ना हमें कदर भी है और उनको है ना हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और ये हमारे तरफ से भी वादा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम जो भी काम करना है ना सिर्फ मेरे हलके के लिए पूरे शहर के लिए या रियासत में है ना किसी प्रोग्राम को हम जारी कराना हो तो सिटीजन्स जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वॉइस जो है उनके मशवरों को है ना उस किस तरीके से हमें रियासती बजट के जरिए ला सकते हैं, ये हमारा रिश्ता जो शुरू हुआ है ये है ना इंशाल्लाह तादेर तक चलने की दुआ के साथ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो विश्वनाथ साहब भी है ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉइस को है ना इससे पहले भी है ना उन्होंने उनका ताउन किया है, एम एफ कलीम प्रोफेसर नंदराज शांतराज के काम से है ना वो मुतासिर है, और उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है लोगों के दिलों के साथ खेल रही है, और ये भी मानते हैं कि मेरी एक छोटी सी गलती से आज जना रियासत में ना बीजेपी हुकूमत आई है, तो इस वजह से किसी भी हाल में इस हुकूमत को निकालना है, ना सिर्फ कर्नाटक में नहीं जो साउथ इंडिया में चाहे वो केरला हो आंध्रा हो या फिर है ना तमिलनाडु और रियासत कर्नाटक हो यहाँ कहीं पर भी बीजेपी को मौका ना दें, ये उनका अपील रहा, और साथ ही साथ वो भी है ना इस काम के जरिए वो भी है ना वादा किए हैं कि जब भी मेरे से जो काम होगा मैं आपके साथ जुड़कर काम करूंगा। विश्वनाथ सर जो है पूरी तरह से कांग्रेस में आकर हैं ये अभी तक सभी नहीं, वो एमएलसी है बीजेपी हुकूमत के नॉमिनेटेड एमएलसी है, लेकिन एक पार्टी में होने के बावजूद जिस तरीके से वो बेबाकी से बयान कर रहे हैं उनको एमएलसी के अहदे से ज्यादा आज माशरे में जिस तरीके से लोगों के आपस में है ना दूरियां हो रही है वो देखकर है ना वो कांग्रेस का साथ देने का जनाब एमएफ कलीम साहब बहुत सारी हमने सोशल मीडिया में देखा कि आप जो है कांग्रेस को शुमारियत इख्तियार करने के लिए जो है तस्वीर सब सामने आ रहे थे, आज खुलकर जो है आप क्या कहना चाहते हैं अवाम को कि आप इलेक्शन के दौरान कांग्रेस में क्यों खड़े थे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए हालात हाजिरा पर जो है फैसला लेना बहुत जरूरी था क्योंकि ये था कि आप कांग्रेस में ज्वाइन हो गए क्या? नहीं बोल रहा हूँ, कुछ आ रहा हूँ। हालात हाजिरा पर जो है 2023 का इलेक्शन जो है एक बहुत ही जैसे कि ऐसा एक डू और डाई का किस्सा आया है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है अभी भी हाल ही में जितना कर्नाटक के लोगों के ऊपर जो थोमतें लगाई हुई है और आने का भी दावा पार्टी उनका जो है बड़ी इसमें जो है जीत होने के बाद भी जो दावा कर रही है इसका लेते हुए सिर्फ एमएफ कलीम के नहीं है हर शहरी का हर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन चाहे कर्नाटक हो दूसरे स्टेट का हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो है स्टेप अप लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में आप जो बता रहे थे कि तनवीर साहब से बात करना कि बुलाए थे बात भी करना था, बहुत सारी जो हमारे जुबैर भैया हैं बशीर भैया हैं पंडू भैया हैं और खल्लू भैया बहुत सारों की फिक्र थी कि आप मुलाकात करें, तो मुलाकात करने के बाद जैसे बताया आपके सेठ साहब ने कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, मैं बोला देखो आप हाल ही में जो है अभी जो इलेक्शन का जो चल रहा है इसका जीत को लाना ये सबसे बड़ी वक्त की नज़ाकत है, तो मैंने बताया कि हम लोग आपका सपोर्ट करने के लिए आए हैं अनकंडीशनल, तो इस चीज़ पर लेकर जो है अभी भी मैं यही स्टैंड में हूँ कि जो है हम लोग सपोर्ट के लिए कांग्रेस के लिए हैं, जैसे कि बशीर साहब हैं पंडू साहब बहुत सारे कारपोरेटर जगन्नाथ साहब भी कारपोरेटर हमारे हर ये आयुब भी हैं साथ में असरत आरिफ भाई सब लोग जो है आकर स्थिति का जो मुलाकात की बात भी हुई जो फिक्र भी लगी हुई थी जो हाल ही में हमारी भी एक मीटिंग हुई हाल ही में जो हमारे प्रोग्रेसिव लीडर्स के साथ जो है हमारे नंजरा जर्ज भी हैं जनाब मैसूर बशीर साहब एक और ताकत में इजाफा हुआ है जनाब एमएफ कलीम साहब जो है कांग्रेस नर हलके में जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को जो है उनकी हिमायत में आए हुए हैं, आप एक खुद कॉर्पोरेटर होने के नाते कांग्रेस के क्या कहना चाहते हैं कि
किस तरह जो है कांग्रेस को और मजबूती मिली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एफएम कलीम साहब का, एमएफ कलीम साहब का। अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में ये बात डाली है। वो एचडीपी के एक पावरफुल लीडर थे मैसूर के अंदर, मैसूर ही नहीं पूरी कर्नाटका के अंदर थे। अब उनको हकीकत पता चल गई है कि एचडीपी के अंदर क्या है। इसीलिए मेरे भाई ने इस बार उस पार्टी को छोड़कर कर्नाटका की आवाम की एक महमूदी के लिए, एक तरक्की के लिए, एक अच्छी आबो हवा के लिए इस बार कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। वो कांग्रेस में आए नहीं है, उनकी पूरी जमात जो तंजीम उनकी खुद की है, जो एक माइनॉरिटी की बनाए हुए हैं, उसमें दलित भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है। ये तंजीम पूरी आके इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करे, कांग्रेस के अंदर आए नहीं है वो। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं और मेरा दोस्त पंडू जुबैर भाई दो वार्डों को गए थे, ये अफवाह उठी थी सिर्फ एचडीपी का नाम बोल रहे हैं, एचडीपी का नाम बोल रहे हैं पूरे मुसलमान, वहां पर कांग्रेस का कुछ वजूद नहीं है। मैं और मेरा दोस्त जब पाम्पलेट्स बांटने के लिए घरों के पास गए तो लोग ये बताए हमें, भाई आप घरों को आने की जरूरत नहीं है, लोग कुछ भी बोल ले, कुछ भी समझा ले, हमारा दिमाग कितना भी खराब कर ले, हम किसी को वोट देने वाले नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी को चिताएंगे, स्टेट के अंदर भी कांग्रेस ही खुलाएंगे, इस बार हम किसी की बातों में आकर वोट को जाया नहीं करेंगे। ऐसे ही पूरे मैसूर शहर के अंदर, जैसे कि मेरे दोस्त कलीम भाई हैं, ऐसा पूरा मैसूर शहर एनआर क्षेत्र पूरा एक एक आकर कांग्रेस में जमकर कांग्रेस की ताकत को भी बढ़ा रहे हैं, तनवीर सेठ की ताकत को भी बढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इस बार तनवीर सेठ साहब 70-80 हजार वोट गारंटी लेंगे और जीतेंगे, ये गारंटी बात है। मैंने कल सुना मजीद भाई का एक बयान, उसमें मजीद भाई बोल रहे हैं 1 लाख वोट हम ले रहे हैं बोल के, जबकि पूरे एनआर क्षेत्र के अंदर 160-170-150 वोट चलेगा, उसके अंदर 1 लाख वोट नहीं ले तो सामी क्या लेगा, हम क्या लेंगे, दूसरी पार्टियां क्या लेंगे, ये भरम में जिंदगी ना करेंगे तो बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद साहब बहुत अच्छे आदमी है, खिदमत किए हैं, हमको खराब नहीं बोल रहे हैं, अब उनको खराब बोलने का मकसद भी नहीं है। हम मजीद साहब से यही आजीजाना मतरबाना गुजारिश करते हैं, मैं मेरे दोस्त और कलीम भाई पंडू जुबैर साहब हमारे जैसे कि उमर साहब सब मिलकर, हमारे बाबू साहब खड़े हुए हैं सब मिलकर, उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं। और फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, उस इलेक्शन के अंदर आप कंटेस्ट करिए, उसके बाद सोचेंगे। इस बार के इलेक्शन के अंदर, इस बार का इलेक्शन है ना कांग्रेस का है, ना तनवीर सेठ साहब का है, ना सिद्धरामैया साहब का, इस बार का इलेक्शन जो है 6.5 करोड़ आवाम की महमूदी और सुकून से जिंदगी करने के लिए इलेक्शन चलाया जा रहा है। इस बार हम सब मिलकर एक तरह होकर कांग्रेस को वोट देंगे, तो कांग्रेस का अगर सिद्धरामैया साहब और दूसरे तीसरे कोई भी सीएम बनेंगे तो कांग्रेस की आबो हवा से जो कम्युनल पार्टियां हैं, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो सताया जा रहा है, इन चीजों को बंद किया जाएगा। इसीलिए हम सब मिलकर, हमारे कलीम साहब पूरे मिलकर आज एक ताकत बनकर कांग्रेस के साथ जुड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी हमारे कलीम साहब, जो हमारे वोटर्स हैं, जो भी आज उन्होंने डिसीशन लिया, ये बहुत अच्छी बात है। जहां पर भी कांग्रेस फतेह में है, कांग्रेस कामयाबी में है, इंशाल्लाह ऐसे लोग आ रहे हैं जैसे समंदर में नहर कैसा आता है पानी, ऐसा सारे के सारे कांग्रेस को, हिंदू मुसलमान दलित क्रिश्चियंस जितने भी हैं नार क्षेत्र के अंदर, पूरे तनवीर सेठ के हक में फैसला कर रहे हैं। बस ये फिरका फरस पार्टियाँ, मेरे बशीर साहब ने कहा कि ये ले लेंगे वो कर लेंगे, ये सब गलत बात है। हालात उठाकर देखिए, ये हालात के अंदर जो हमारे कलीम भाई जो जितने भी आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, ये तनवीर सेठ साहब का इलेक्शन नहीं है, ये जो है हिंदू और मुसलमान का इलेक्शन चल रहा है अमन और सुकून के लिए। जो हालात जो बीजेपी ने खराब करी है आप देख सकते हैं, हमें बार बार बोलना अच्छा भी नहीं है कि हालात कितनी नफरत, कांग्रेस जो भी है मुद्दे पर आना ये बहुत जरूरी चीज है। बीजेपी को उखाड़ कर भिकाने के लिए बस हमारे सिद्धरामैया जी सीएम होना ये बहुत जरूरी है, तनवीर सेठ साहब यहाँ से जीतना ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह चुका हूँ जो इन्नार क्षेत्र एक अमन और सुकून एक इत्मीनान का चल रहा है, यहाँ पर हर चीज माशाल्लाह
मैं कैसे बोलूँ हिंदू और मुसलमान इतने इत्मीनान से जी रहा है, इतने सुकून से जी रहा है, बस यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस आकर ये फिरखा फरस पार्टियों कई किस्म के, तनवीर सेठ ने ये नहीं वो नहीं कई, भाई बोल रहा हूँ ना, इतनी गीबत इतनी बुराई, आप जितनी बुराई करते रहोगे जितनी गीबत करते रहोगे इंशाल्लाह तनवीर सेठ ने उतनी कामयाबी से ज़्यादा जाते रहेंगे। बस मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, बस यही कहना चाहता हूँ आने वाले इंतखाबात के अंदर, बस तनवीर सेठ का सीरियल नंबर 2 है, कांग्रेस के हक में फैसला करें, बस अच्छी तादाद से जिताएं, जिताकर इंशाल्लाह फिर से तनवीर सेठ साहब को यहाँ से एक मिनिस्टर बनाकर इंशाल्लाह भेजें, यही बात मैं कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये लोगों को बहुत बेदारी में लाने का सबब बना है। जैसे ही हमारे कलीम भाई ने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फोरम की जानिब से जो आज एक मेमोरेंडम दिए तनवीर सेठ साहब को कांग्रेस की हिमायत में, ये जो असल में इलेक्शन जो है हमारे मुस्तकबिल का है, हमारे आने वाली नस्लों के वास्ते जो खुली हवा में खुली फिजा में अगर जीना है तो कांग्रेस को वोट देना है, और उसके बदले में बीजेपी जो आज हमारे हकूक को छीन रही है, जैसे कि हमारा 4% रिजर्वेशन छीन लिया है, अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी, हमारे भाई को बच्चों के ऊपर नकाब के ऊपर पाबंदी लगा दी है, और भी ये ज़्यादा हमारे ऊपर जुल्म सितम का सबब बनेगा अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो। और मेरी एक दूसरी अपील क्या है बोले तो, अपने वोट को ज़ाया मत करें, कांग्रेस के हक़ में वोट दें, मैक्सिमम वोट चलाएं, एक वोट को भी इधर उधर ज़ाया दूसरों की बात सुनकर ना दें, पूरा का पूरा वोट हमारा 100% कांग्रेस के हक़ में वोट दें, और वोट देकर हमें कांग्रेस को लाना है और ये हुकूमत का सफाया करना है इंशाल्लाह। मेरा नाम निखत तारा, मैसूर सिटी माइनॉरिटीज प्रेसिडेंट का हुदा देखो ही सेठ साहब, नानु विधानसभा क्षेत्र दिंद नम्म मत बांधवरिगे हेळोदेनंद्रे नम्म विद्यार्थिगळिगागलि मत बांधवरिगागलि दयविट्टु नम्म ओंदु एनु नम्म हक्किदे आ हक्कन्न कड्कोळ्ळो व्यवस्थेयन्न माड्कोबेडि, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾಡದೇ ಇರದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು SDPI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾವು ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮುಂದೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್.